कौन रखा है ये? कितने अफसोस की बात है, जिनके साथ भी ये बीता होगा या जिनके साथ भी जो भी ये सफर कर रहे हैं हैदराबाद में। नाज़िम बहुत ज्यादा खुश है, लिए ये क्लिप ऐड किया है क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था। पैसे जेली पैसे क्या? और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। लास्ट वीडियो में मैंने खुबानी का मीठा बनाना तो बताया था, लेकिन इसे खाते कैसे हैं वो नहीं बताया था क्योंकि साजिद बहुत लेट से घर आए थे। इसे दो तरीके से खाते हैं हमारे घर पे, एक मलाई और क्रीम के साथ और एक होता है आइसक्रीम के साथ। मलाई और क्रीम वाला ज़्यादा सबको पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है, और आइसक्रीम वाला तो सबका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है ये आइसक्रीम वाला। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मलाई ऐड किया, क्रीम कहाँ है? तो फ्रेंड्स, क्रीम ज़्यादा कोई नहीं खाता है, तो 70 रुपीज़ का डब्बा लाकर वेस्ट करने का मेरा मन नहीं करता है, इसलिए मैंने क्रीम नहीं लाया, सिर्फ मलाई डालकर उसे खा लिया। और दूसरे वाला आइसक्रीम वाला तो सबका फेवरेट है, जितना भी खाओ उतना कम लगता है, और बनाना सबसे आसान है। मुझे तो लगता है सबसे आसान डेजर्ट खुबानी का मीठा है, ज़रूर ट्राई करना आप लोग। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है। साजिद को मलाई वाला नहीं अच्छा लगा? आइसक्रीम वाला मुझे पता है, ये आइसक्रीम वाला फेवरेट है। नौरीन अच्छी है। अच्छा है, खाएगा? वहाँ पे दूसरा दे दो ना। दूसरा दे, आप इसको खा लो पहले। ये अच्छा नहीं है। नहीं मम्मा, दूसरा दे दो ना। बहुत ही टेस्टी बना है, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है, बहुत आसानी से बन जाता है। यहाँ पे दोनों एंजॉय कर रहे हैं। नौरीन कैसा है? अच्छा है। आइसक्रीम खा रही है। प्राइस कैसा था? The next day. आज आ गया है मुझे एक दूसरा नया काम, मुझे जाना है ये BCE सर्टिफिकेट बनाने के लिए आजीन का। तो पहले मैं सर्टिफिकेट बनाऊंगी, फिर नौरीन को पिक करूंगी, फिर घर आऊंगी। नौरीन का हेयर बस कुछ मिनट ऐसा रहता है। हा? आज क्या हुआ आपके स्कूल में? कौन रखा है ये? बाबा तुमको खराब कर रहे हैं ना? बाबा हाँ, गाड़ी के अंदर रख के गए थे, तुमको कैसे पता ये बात? पैसे चली पैसे क्या जाया, चॉकलेट मिल जाया। कौन बताया ये चीज गाड़ी के अंदर चॉकलेट होगा? मुझे नहीं चलो। कैसे पता आपको? नहीं मुझे नहीं चलो। नौरीन को स्कूल से लाकर फ्रेश करने के बाद मैं फिर आ गई थी ई सेवा में। The next day. हाँ? हाँ? सच्ची? हाँ जाओ। ये कुछ है ट्विस्ट के बीच में। रोना आ रहा है। रोना आ रहा है? अरे बोल रहे हो रोना आ रहा है। फाइव ओके, अब गायत्री का पूछना है बस। उसको अलाउ करते रहे क्योंकि आखिर हाँ नहीं पढ़ती क्या? नहीं पढ़ती, पढ़ती मैं आंटी, पापा का देखो। He allowed. Okay, he was out. He came in and my mother was ready with the camera. Okay, she was like, हाँ शुरू करो. And then my mother was like, and my father was like, जाओ. Literally, जाओ. ये मैंने सफाई के लिए निकाल के रखा है अपना बुक, बहुत सारा इसमें निकालना है, अलग करना है, और यहाँ पर है नौरीन का बुक। नौरीन तुमको क्या करना है अपने बुक्स के साथ? हाँ तुम क्यों निकाल लियो अपना बुक्स? तो फ्रेंड्स मैं सो गई थी, ये इसलिए पहला ऐसे ही फैला हुआ मैं छोड़कर सो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। आज आजीन बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसके पापा ने उसको हाँ बोल दिया है जाने के लिए एक्सकर्शन में। अब्बा मान गए आजीन को एक्सकर्शन में भेजने के लिए, इसलिए आजीन बहुत ज़्यादा खुश है। अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए, चाय पीने के बाद हम लोग थोड़ा बाहर जाएंगे खाने के लिए। आप ही को चिकन खाना है, जाएंगे? जाएंगे। कौन लगाता पेन? मारिए
भाई तुम लोग का लड़ाई नको। चलो यार बोलते ये ये सब कुछ ऐसे ही छोड़ करके अभी मैं जा रही हूँ। चलो लेट्स गो। मुझे स्कार्फ चेंज कर लेना पड़ा क्योंकि एज यूजुअल पिन नहीं मिल रहा था, तो ये मैंने दूसरा स्कार्फ पहन लिया है। और चलो निकलते हैं, नहीं जाना है। देखो मेरी पढ़ाकू बेटी। हाँ मम्मी। हाय। मैं हूँ पहली की मम्मा बात कर रही हूँ। ये टीवी फोर या आईपैड है। लेट्स गो। क्या है वो बताइए। एक अच्छा सा कैफे खुला है जहाँ पे अच्छा फ्राइड चिकन वगैरह मिलता है। निकले तो थे हम कहीं और के लिए, लेकिन बीच में ये शॉप दिख गई तो मैंने थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया क्योंकि मुझे अबाया लेना है और जब भी अच्छा मिलेगा मैं ले लूंगी। डर नहीं लगता है हम लोग देखो 1-1 किलोमीटर दूर बैठे हैं। नॉरीन के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज लिया था क्योंकि वो खाती है, लेकिन उसकी तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी और उसने सिर्फ वो एक पीस जो आप देखे हैं ना बस वही उसने खाया था, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया। रात होते होते नौरीन की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी इसलिए मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया है। फ्रेंड्स नौरीन को स्कूल से ला लिया है, उसे खिला पिला कर उसे रेडी करके मैंने सोने के लिए अंदर आजिन के पास रख दिया है। आजिन आज घर पर है तो मैंने सोचा कि आज मैं यशविन का खाना लेकर खुद जाती हूँ क्योंकि एज़ यूजुअल आप समझ सकते हैं बच्चे अगर हॉस्टल में रहते हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा उनका मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो फिर आज फिर वही दिन है जहाँ यशविन डीमोटिवेटेड है और मुझे जाना है उसे मोटिवेट करने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ यशविन के पास और आज का दिन पूरा बिजी रहने वाला है। शायद मैं अगर परमिशन मिला तो उसे मैं लेकर कहीं जाऊंगी बाहर, देखती हूँ जैसा रहता है। वह व्लॉग में देख लेंगे, सब कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। इस व्लॉग को मैंने इसलिए ये क्लिप ऐड किया है क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था और जो कि बहुत अफसोस की बात है। हर एक मिडिल क्लास लोग समझ सकते होंगे कि ये कितने अफसोस की बात है जिनके साथ भी ये बीता होगा या जिनके साथ भी जो भी ये सफ़र कर रहे हैं हैदराबाद में। हैदराबाद के लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, अल्लाह ना करे किसी के साथ ये बीता हो, बट हुआ है। 22,000 या कितने बहुत सारे घर ऐसे जा रहे हैं जो लोग हैदराबाद के हैं। अच्छा मैं बैठ जाती हूँ, मुझे हाथ में प्रॉब्लम होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो घर होता है ना फ्रेंड्स, वो कोई बहुत बड़ा लग्जरी नहीं होता है, वो एक बेसिक सपना होता है जिसे हर कोई पूरा करता है अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई को जमा करने के बाद। और हम उस पर टैक्स पे करते हैं, उस पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, उस पर बहुत सारी पानी का टैक्स पे करते हैं, सब कुछ पे करते रहते हैं। और जब एक दिन हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ जो आप पे कर रहे हैं वो आपकी नहीं है, इसे तोड़ दिया जाएगा, चलता है कि ये चीज़ जो आप पे कर रहे हैं वो आपकी नहीं है, इसे तोड़ दिया जाएगा, तो बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, स्पेशली हम लोग जैसे लोगों के लिए जिनका एक ही घर है, जो बहुत लाइक 40 ईयर्स के मेहनत के बाद साजिद ने एक घर लिया था जो कि हम लोगों का एक सोसाइटी है और जो अब हाइड्रा के जोन में आ चुका है। हाइड्रा प्रोजेक्ट जिनको भी मालूम होगा हैदराबाद में हाइड्रा प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कुछ फीट जो लेक्स के करीब आ रहा है बिल्डिंग या घर या जो भी, उसे तोड़ दिया जाएगा। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है जब ये इल्लीगल था या गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ था तो हम लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, हम लोग उसका टैक्स कैसे पे कर रहे हैं, ये सब कुछ भी हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस हम लोग एक इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। और जैसे लोग हैदराबाद में लोगों की जो हालात हो रहे हैं, औरतें सड़क पर उतर गई, और अभी जस्ट मैंने जैसे मोबाइल हाथ में लिया है मैंने देखा है एक लेडी ने
कर लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. उनका घर को स्टैंप लगाकर चले गए हैं, जो कि सच में बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि जब इतने साल से वो चीज़ इलीगल थी या उस पर या वो गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं आती है तो गवर्नमेंट टैक्स कैसे ले सकती है. अब जैसे कि गवर्नमेंट यहाँ पे बदली है तो वो पूरा ही तरीके से सब कुछ चेंज हो गया है. और ये हम लोगों ने जो सोसाइटी में जो घर लिया था वो ऑलरेडी 6 ब्लॉक्स है, उसमें पार्क है, लाइक एवरीथिंग, जो भी एमिनिटीज़ वगैरह रहते हैं वो हैं. और हम लोग उसको 5-8 ईयर्स से हम लोग उसका टैक्स पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, पानी का बिल पे कर रहे हैं, एवरीथिंग वी आर पेइंग फ्रेंड्स. एंड नाउ वी कम टू नो दैट कि हमारा घर नहीं रहेगा और उसे तोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो हाइड्रा के प्रोजेक्ट में आ गया है. और वो बफर जोन कहते हैं, बफर जोन इन लोगों ने नाम रखा है, वो बफर जोन में आया है. तो पता नहीं, लाइक नहीं बोल सकते क्या होगा, तो जो होगा अल्लाह की मर्ज़ी से बेहतर ही होगा, इतना यकीन है मुझे. और अल्लाह की मर्ज़ी जिसमें बेहतर होगी वही होगा. अगर वो टूटने में बेहतरी होगी तो टूट जाएगा, और अगर रहने के नसीब में होगा तो रह जाएगा, कुछ भी नहीं बोल सकते. तो अभी मैं जा रही हूँ यशवीन के पास क्योंकि लंच का टाइम हो गया है. और जो कुछ भी रहेगा आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इसी तरह के वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.